नमस्कार अक्षय जी, और नमस्कार सभी साथियों का जो भी जुड़ रहे हैं अभी फिलहाल इस परिचर्चा में जो हम लोगों ने किसान आंदोलनों पे अभी जारी रखी हुई है। और आज की बात करने का जो मुद्दा है वो उन्हीं सब कानूनों से जुड़े हुए मुद्दों पे बातचीत होगी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं अक्षय कुमार जी, जो उड़ीसा में नवनिर्माण संगठन से करके एक संगठन से जुड़े हुए हैं। उन्होंने शायद उसकी स्थापना भी की है, और इन्होंने करीब 800 किसानों को ऑर्गेनाइज करके उड़ीसा से दिल्ली ले जाने का काम किया था। तो इस सिलसिले में उनके अनुभवों पे थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे, और बाकी सारे मुद्दों पे भी उनकी राय पूछेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किसान आंदोलन जो पूरे देश में चल रहे उसको वो किस तरीके से देखते हैं। तो स्वागत है अक्षय जी आपका, और स्वागत है सभी और साथियों का। तो मैं बिना कोई वक्त जाया करते हुए आपको आप बोलिए इस बात से कि आपका अनुभव कैसा रहा, निजी अनुभव कैसा रहा, सांगठनिक अनुभव कैसा रहा, जिस तरीके से उड़ीसा के किसानों को आप साथ में ले गए, और उड़ीसा के अंदर की कुछ हालात पे अगर कुछ प्रकाश डालने की अगर आप कोशिश करें तो काफी रोचक होगा। मेंबरशिप लेकर चला रहे हैं उसमें मुख्य बात यह कि हम प्राइस प्रेस्टीज पेंशन स्थिति मात को लेकर हम इस जो मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें पहला बात जो है जो प्राइस का बात हम बोल रहे हैं जिसमें प्राइस जो मिनिमम जस्टिफाइड प्राइस का बात हम बोल रहे हैं, जबकि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पैदा हो रहा है उसके लिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मगर जो किसान जो पैदा कर रहा है उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, हम उसको बोल रहे हैं उसको मिनिमम जस्टिफाइड प्राइस पे कन्वर्ट होना चाहिए। उस मूवमेंट को हमने जो चला है और करीब करीब लाखों किसान इसमें जोड़ने का बाद हम लोग यही उड़ीसा में 2017 मार्च 25 तारीख को उड़ीसा असेंबली में जो हमने जो प्रेशर बिल्डअप किए उस बिल्डअप प्रेशर का कारण पूरा उड़ीसा के असेंबली में जो उन्होंने सारी पार्टी मिलकर जो किसान का जो पैडी का रेट निर्धारण किया था कि जो असेंबली में सर्वसम्मति पास करने का बाद उन्होंने सेंटर को भेजे थे जो उन्होंने बताया 2930 रुपया पर क्विंटल पैडी का रेट होना चाहिए। ये हमारा मूवमेंट का एक सफलता है जिसमें हम पूरा असेंबली और सारी पार्टियों को मजबूर किए इस चीज को करने के लिए जिसको उन्होंने सेंटर को भेजे। ऐसे ही हमने पेंशन को लेकर सोशल सिक्योरिटी अलाउंस को लेकर ये सारी बात को हम आगे बढ़ा रहे थे, मगर जब भी रिकमेंडेशन आया जी कि स्वामीनाथन कमेटी का रिकमेंडेशन आया जी कि जो C2+50% जो फॉर्मूला के आधार पर पैडी का रेट है सारी जो किसान का जो जितना प्रोडक्ट है उसका रेट निर्धारण होना चाहिए, उसी बात को उस मूवमेंट को उसका साथ में आगे बढ़ा है। और हम लोग जब देखे ये जो बिल पास हुआ जब ये कानून बनने का बाद हम लोग जो मूवमेंट चला जी की दिल्ली में, मैंने खुद करीब करीब एक महीने पूरा रहा जी की सिंगू बॉर्डर पर रहा, और रहने का बाद जो हमने जो महसूस किए गवर्नमेंट जिस ढंग से एक ऑटोक्रेसी एक फैसिस्ट होते जा रहा है, और जिसको देखते हुए बार बार कोशिश किए जी गवर्नमेंट कोशिश किया कि उस मूवमेंट को बदनाम करने का, जो ये मूवमेंट जो है वो पंजाब का मूवमेंट है वो उसमें खालिस्तानी घुस गए हैं उसमें हिंसा करने वाला घुस गए हैं, ये सारी चीज देखने के बाद हमने वहां एक महीने रहने के बाद जो ईमानदारी किसान का अंदर महसूस किया और इससे इस कॉज का प्रति जो कमिटमेंट किसान का हमने देखे, हमने सोचा जी कि हम इस मूवमेंट को उड़ीसा में लड़ रहे हैं, अगर मैं अकेला ही हूँ, अगर जब तक हम इस मूवमेंट को पूरा देश भर में, क्योंकि जो जो बिल जो जिन्होंने जो कानून बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाए जी कि तीन बिल को लेकर उसमें वो है क्या, उसमें एक्चुअली उस तीनों कानून का जो थीम है जो सब्सटेंस है एसेंस है वो ये है जी कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर उसका एजेंडा है, क्योंकि अंबानी अदानी जैसे कंपनी को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा उसके लिए उस कानून को बनाया है, और उस कानून में और कुछ है नहीं। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर निकाल दिया जाए कि खेती का सेक्टर में जो कॉर्पोरेट सेक्टर घुस रहे हैं अगर उसको निकाल दिया जाए तभी उस कानून में कुछ है ही नहीं। और उस चीज को लेकर हम लोग
एक प्रयास किए जो करीब करीब 1000 किसान उड़ीसा से निकलेंगे, जबकि हम जब भुवनेश्वर से 15 तारीख को जनवरी 15 को निकले तभी करीब करीब हम लोग वहीं से 500-600 किसान यहीं से निकले, जबकि वहां पहुंचने तक हम लोग करीब 1000 किसान पहुंचे थे दिल्ली में। और 26 तारीख जो मोमेंट जो बात था कि वहां जैसे जय जवान जो बात बोल रहे हैं ऐसे ही जय किसान का बात है, ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बोले थे जवान जब पैरेड करेगा किसान भी पैरेड करेगा, जवान उसका बेटा भी पैरेड करेगा, किसान उसका भाई उसका पिताजी भी पैरेड करेंगे, जबकि जवान का जो सम्मान है ऐसे ही किसान का सम्मान होना चाहिए। ये टकराव का पैरेड नहीं था, ये एक समन्वय का पैरेड था, मगर उसको जिस ढंग से सरकार ने एक कंस्पिरेसी बना के कोशिश के तोड़ने के लिए, वो बहुत दुखद है जिसको लेकर कोशिश के तोड़ने के लिए। उसमें पहला बात यह है जब आप देखेंगे जो करीब करीब 20 लाख किसान तिरंगा झंडा लेकर खड़े हैं उसको मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया क्या दिखा रहा है, जो 200 आदमी चले गए और एक आदमी उस लाल किला में झंडा उतार कर बस दूसरा झंडा फहरा दिया, उसी को दिखा रहे हैं मीडिया बार बार। देखो किसान झंडा को असम्मान किया, किसान झंडा को जो तिरंगा झंडा को सम्मान नहीं दिया, जबकि 20 लाख किसान झंडा लेकर खड़े हैं जो कि जिस रूट पर पैरेड डिसाइड हुआ था। इसलिए सवाल यह है ये जो सारी कंस्पिरेसी है उस सारी कंस्पिरेसी को अगर पूरा देश का किसान उसमें नहीं जुड़ेंगे, इसलिए हमने जब उड़ीसा से यात्रा निकाले गए तब देखिए जी कि हम लोग झारखंड बिहार में तो हमको पूरा इतना उम्मीद जितना उम्मीद नहीं था उससे ज्यादा समर्थन मिला, मगर जैसे बिहार से हम एंट्री करेंगे यूपी का तरफ बिहार का सीमा लंघकर आगे बढ़ेंगे बनारस जाएंगे तब इमीडिएट फोन आया एसएसपी और इन लोगों का जी कि भाई आप बनारस नहीं आ सकते। क्यों बनारस क्यों नहीं आ सकते, नहीं बनारस नहीं आ सकते क्योंकि यही कुछ दिक्कत है, इसलिए ऊपर से ऑर्डर आया है आप बनारस नहीं आ सकते। जब हम उस बॉर्डर से करीब करीब बिहार का साथियों को लेकर 2000 लोग पैदल में निकल पड़े तब इमीडिएट बोल रहे नहीं आपके लिए खुला है आप जाइए। फिर जब जैसे जाकर हम जौनपुर पहुंचते हैं इमीडिएट सुबह डीएम साहब और एसपी एसएसपी आ जाते हैं, वो बोलते हैं भाई साहब आप लखनऊ नहीं जा सकते। हमने बोले कल तो बात हुआ था बनारस जा सकते हैं, बनारस आप लखनऊ जा सकते हैं। हमने बोले कि बनारस हम नहीं जा, हम बनारस से होकर हम जौनपुर जाना है, जौनपुर से लखनऊ होकर हमको दिल्ली जाना है। अभी आप बोल रहे हैं लखनऊ नहीं जा सकते, जब तय हुआ कि हम लखनऊ जा सकते हैं आप लखनऊ जा सकते हैं रूट होकर आपको छोड़ देते हैं। फिर अब जब जौनपुर पहुंचे आप बोलते नहीं जा सकते। उसका बाद उस जौनपुर से जिस ढंग से गवर्नमेंट और पूरा यूपी गवर्नमेंट हमारा साथ व्यवहार किया, मैंने हर बस में करीब करीब 7-8 बस हमारे साथ था, 7-8 बस में पूरा जी की पुलिस फोर्स बैठ गए, बोले देखिए पूरा मैंने प्रेशराइज करके आप जाएंगे तो उसी रूट पर जाएंगे, हम लेकर जाएंगे बस को। और तभी हमने मैंने करीब करीब 7 दिन अनशन रखा कि कहा आप रूट हमारा जो रूट था आप डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके लिए हम प्रतिवाद कर रहे हैं। और उसका बाद उन्होंने जब भी कानपुर पहुंचे, कानपुर पहुंचने का पहले ऐसे ही हुआ कि रास्ता में बोल रहे जी रास्ता में खाना खिला देंगे। जो हमारा जहां रूट हुआ था डिसाइड हुआ था जिसमें उड़ीसा से हम निकले तो हम जन आधारित इस यात्रा को लेकर निकल रहे हैं, कोई एनजीओ प्रोजेक्ट फंडिंग नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का फंडिंग नहीं है, इसलिए हमारा कुछ लोग है करके 2000-3000 कोशिश किए कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए गाँव से लेकर आए और वो निकले। इसलिए जहां जहां जाएंगे वहां हमारा जो मित्र थे वहां मीटिंग करेंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, वहां हमको खाना खिलाएंगे और तेल भरेंगे हमारे गाड़ी में, फिर हम आगे जाएंगे। जब हम कानपुर पहुंचने का पहले उन्होंने बोले खाना खिलाए, खाना नहीं खिलाए 6 बजे तक, तभी हम रास्ता में लोगों ने बैठ गए। तो बाद में कानपुर का पहले कुछ साथी जो नौजवान साथी जुड़े थे उस एरिया का वो इमीडिएट खड़ा हो गए, बोले आप खाना नहीं खाए हम खाना खिलाएंगे, उसका बाद बाध्य होकर खाना खिलाए। उसके बाद कानपुर पहुंचे तो बोले भाई तेल भरा है तभी हम जाएंगे, बोले भाई आप कैसे आते हो आप आए हो आप तेल कैसे भराएंगे, आप खुद को तेल भराने का जाना है। तो देखिए हमारा जनाधारित कार्यक्रम है, अगर आप हमारा रूट डिस्टर्ब किए हैं तो आपको तेल भराना पड़ेगा हमारा गाड़ी में तो हम जाएंगे, अगर आप नहीं भराएंगे तो जो 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 सिविल सोसाइटी है अगर वो आ जाता है और सिविल सोसाइटी हम मदद करते हैं हम आगे जाएंगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी हम सोसाइटी का अंदर समाज का अंदर जाकर बात को रखते हुए जा रहे हैं। अगर हम आप हमारा डेमोक्रेटिक राइट को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं वायोलेट कर रहे हैं तभी हम जो भी लोग आएंगे तभी डिसाइड करेंगे। ठीक है तभी उसमें दीपक मालवीय से लेकर कई साथी आ गए, उन्होंने कोऑपरेट किया, फिर हम आगे बढ़े। और बाद में उनको महसूस हुआ जब रवीश कुमार कई लोगों ने उस मीडिया में काफी उस चीज को हाईलाइट किए, देखो कि सरकार कैसे
डेमोक्रेटिक राइट को वायलेट कर रहा है, तभी बाद में उनको उनको समझ में आया कि ये पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बाद में जो कानपुर पहुंचे तभी हमको साथ में लेकर गए, मगर जैसे हम आगे जाकर हम आगरा तक पहुंचे हम छोड़कर चले गए। फिर आगरा हम सोचे थे कि आगरा में छोड़ के चले गए इसका मतलब हम दिल्ली जाएंगे। फिर आगरा में आगे जी की पुलिस ऑफिसर वहां आगे बोले आप पूरा ही और यही से मूव नहीं कर सकते, आगरा में आप नजरबंद है। हमने बोले देखिए जी कि कल हमारा नेशनल कमेटी मीटिंग है, अगर नेशनल कमेटी मीटिंग है तो हमको गवर्नमेंट से वार्ता है, अगर आप नहीं जाने नहीं दे रहे हैं तो ठीक है बात है जी, बात हम उठा देंगे जी की बात जी की, देखो गवर्नमेंट कैसे परेशान कर रहा है। फिर उनसे उन्होंने डीएम से बात की, बोले नहीं उनको छोड़ दीजिए, फिर बाद में छोड़ दिए। बाद में हम फिर से आगरा से आकर दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में पहुंचने के बाद जिस ढंग से ये 26 जनवरी का जो घटना घटी, पूरा प्रायोजित, पूरा गवर्नमेंट का पूरा प्रायोजित है जो कि मूवमेंट को कैसे तोड़ देना है, कैसे किसान का मूवमेंट को बदनाम करना है और उसको कैसे खत्म करना है। हमने जब भी एक महीने रुके थे जी की सिंगू बॉर्डर पर, तभी उन्होंने जिस ढंग से ट्रेन खोद के जैसे पूरा रास्ता और जैसे पूरा बैरिकेड करके ट्रेन खोद के जैसे कोशिश किए जी किसान को रोकने का, और उनको उनको लगा जी कि पूरा ये भी थोड़ा कुछ वायलेंस थोड़ा हो जाए तभी हम उसको वायलेंस करके खत्म कर देंगे। जैसे 26 तारीख का घटना हुआ इमीडिएट उन्होंने अटैक किए जे गाजीपुर खत्म कर देंगे, मगर आपको आपको पता है जिस ढंग से हुआ उसको सब सारी चीज पता है। जैसे राकेश टिकात का पूरा अटैक हुआ जी की कोशिश किया अटैक करने का, पुलिस गुंडा पुलिस बन के अटैक करने की कोशिश किए और सरकार ने इमीडिएट पानी और लाइट काट दिए। तभी हम वहां से 26 तारीख खत्म होने का, जैसे हम बसेस से लेकर गए थे, हम जैसे वापस आकर इलाहाबाद पहुंचे हमको पता चला जी कि गाजीपुर बॉर्डर को खत्म करने जा रहे हैं। मगर बाद में ऐसे हुआ जिसमें उन्हीं का ऊपर ही उन्होंने गवर्नमेंट कोशिश की खत्म करने का, मगर वो खत्म करने का कोशिश जो किए वो परिणाम उनके लिए ही नेगेटिव बना, जिसमें लोगों ने बोले जब हम पानी लेकर पहुंचेंगे, और जब ये राकेश टिकैत ने मना कर दिया कि हमने पानी पिएंगे जो गांव से आएगा, इसलिए एक सीनरियो बदल गया। इसलिए अभी जो बात है हमको लग रहा है ये जो तीन कानून सरकार बनाए हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बनाए हैं। पहला कानून तो ऐसे है जी कि उन्होंने माने ट्रेड एंड सर्विसेस का नाम पर कैसे, मैंने उसमें कहां लिखा नहीं है। जैसे डिस्कशन हुआ जी कि नरेंद्र सिंह तोमर और मैं दो बार डिस्कशन में था जी की चर्चा में वार्ता में था, एक 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को मैंने नरेंद्र सिंह तोमर से एक सवाल किया था, बताइए आप रेलवे से, उस समय पीयूष गोयल भी थे, हमने पीयूष जी अपने रेलवे से लेकर हर चीज प्राइवेटाइज करने का बात, किसान ये जो खेती को प्राइवेटाइज करने का क्या आपका मकसद है। बोले आप रेलवे और बात मत बोलिए, बोले देखिए हम जो बोल रहे हैं वो उदाहरण एग्जाम्पल देकर बोल रहे हैं, आप इसको प्राइवेटाइज करने का क्या आपका मकसद है क्या। इमीडिएट तोमर साहब बोल रहे हैं कहां लिखा है इसको हम अंबानी अदानी को दे रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर दे रहे हैं, कहां लिखा है। बोला देखिए कहां लिखा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना मिनट सब उठा लो कहां भी लिखा नहीं है जो ये जो है ये हम ईस्ट इंडिया कंपनी राज करने आ रहा है, मगर वो राज किया। इसलिए आपका जो कंपनी का जो एग्रीमेंट है उसमें आपने परिभाषित किया है हर चीज फार्मर के लिए कर रहे हैं, किसान के लिए कर रहे हैं, पर फार्म का परिभाषा आप क्या दिए हैं, एन इंडिविजुअल इज द फार्मर, वन कॉर्पोरेट सेक्टर इज द फार्मर, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इज द फार्मर, एवरीबॉडी इज द फार्मर। इसलिए सवाल ये है कि ये जो बात आप उठा रहे हैं कि कहां कंपनी नहीं अंबानी अदानी नहीं लिखे हैं, आप किसान का नाम पर घुसा रहे हैं जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसा रहे हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर घुसाने के बाद क्या करेंगे, ई ट्रेडिंग करेंगे, और ई ट्रेडिंग का नाम पर पूरा छोटा छोटा जो ट्रेडर है वो खत्म हो जाएंगे। आप ये इंटरनेशनल ट्रेडर को सामने ला रहे हैं छोटा छोटा ट्रेडिंग ट्रेडिंग सेक्टर को खत्म करने के लिए। ऐसे ही दूसरा जो कानून आप ला रहे हैं जिसमें आप क्या प्रमोशन का नाम पर ला रहे हैं, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम पर ला रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा। बार बार प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं वो किसान का भलाई के लिए। हम सवाल पूछते हैं अगर, और बार बार प्रधानमंत्री ये बात भी बोल रहे हैं कि हम जो एमएसपी और ये जो मंडी है उसको हम खत्म नहीं कर रहे हैं, हम खत्म करना जरूरत नहीं है, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। एक बड़ा तालाब में अगर एक बड़ा मछली और बहुत छोटी मछली को छोड़ दोगे तो वो बड़ा मछली छोटी मछली अपने आप खा जाएगा, छोटी मछली को पकड़ कर मारने का जरूरत नहीं। ऐसे ही आपने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाए उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप बोल रहे हैं हम जमीन नहीं लेंगे, जमीन लेना जरूरत, जमीन अपने आप में वो लीज बेसिस पर ले जाएंगे। कि जैसे किसान आप आते हैं तो आप बोलते हो जो म्यूचुअल जो
कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें फार्म को ले, फार्मिंग के लेकर म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के साथ होगा। हम सवाल उठा रहे हैं जो म्यूचुअल फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर पहला कंपनी आएगा वो बोलेगा जी अगर आपका एमएसपी पैडी का रेट 1868 रुपया है, 868 रुपीज है, तो हम आपको 3000 रुपया में देंगे, तो इमीडिएट क्या होगा, इमीडिएट वो खत्म कर देंगे आपका पूरा जो एमएसपी का और जो मंडी सिस्टम है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब 3000 रुपया देगा तो कोई किसान और नहीं जाएगा जी, मंडी नहीं जाएगा, एमएसपी का सवाल ही नहीं उठाएगा। और दो साल में जब ये खत्म कर देंगे, जब जैसे प्राइवेट स्कूल आप देखिए, प्राइवेट स्कूल आने से जितना गवर्नमेंट स्कूल है अटेंडेंस नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल को अपने आप में बंद कर दिए गवर्नमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल आने के लिए, इसलिए अटेंडेंस कम है, इसलिए खत्म कर दे रहे हैं, बंद कर दिए। उड़ीसा में कई स्कूल बंद कर दिए। ऐसे ही जब वो देखेंगे कि मंडी सिस्टम को किसान ही नहीं चाहता है, किसान प्राइवेट मंडी चाहता है, तभी दो साल में खत्म हो जाएगा, तभी इनका मोनोपोली हो जाएगा। तब वो जो मोनोपोली होगा बोले कि भाई 10 रुपया में हमको गेहूं मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया से, अगर आप 9 रुपया में दोगे तभी हम लेंगे, नहीं तो हमारा जरूरत नहीं है, हमको वहां से 10 रुपया मिल जाएगा, 9 रुपया मिल जाता है। इसलिए सवाल ये, मोनोपोली चलने का बाद होगा क्या, किसान जितना नुकसान होता था, जितना सुसाइड करता था, सुसाइड रेट बढ़ेगा, और सुसाइड रेट बढ़ने का साथ साथ जब वो कर्जा भी उसका बढ़ते जाएगा, जब कर्जा बढ़ते जाएगा तभी इमीडिएट वो बोलेगा जी 5 साल कर्जा होने का बाद जब देखेगा जी क्या और मैं कर्जा चुका नहीं पाता हूँ, और उसी की कंपनी से ही कर्जा करेगा, होगा क्या, वो बोलेगा भाई 5 साल 10 साल के लिए हम क्या एग्रीमेंट करें किए थे आपके लिए, मैं 50 साल के म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप जमीन ले लीजिए और मैं तो काम करता हूँ। मैंने किसान बन जाएगा मजदूर, कंपनी बन जाएगी मालिक। ये जो पूरा एक कॉलोनियलिज्म का जो न्यू कॉलोनियलिज्म का जो धारा है, नव उपनिषद का जो धारा है, और जिसको ये हम बोल रहे हैं कि इंपीरियलिज्म का एक न्यू इंपीरियलिज्म है, नव साम्राज्यवाद है, जिसको लेकर फाइनेंस कैपिटल का जो रोल प्ले हो रहा है, जब ये होने का बाद जब सारी सारी प्रोडक्ट वो ले लेंगे, तभी तीसरा जो कानून लाए एसेंशियल कमोडिटी 1955, उसमें पूरा गला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो गला पकड़े थे, मगर तीसरा जो कानून है गला को दबा दिया और मार दिया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो वो लेकर जाएंगे प्रोडक्ट उसको कहां रखेंगे, पहले था जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसमें था 1955 में कि जो आलू है, प्याज है, गेहूं है, जो अत्यावश्यक वस्तु है वो एक लिमिट तक आदमी स्टोरेज कर पाएगा। इसमें ये कानून को ऐसे बदला दिए, अमेंडमेंट कर दिए, जिसमें चाहे अंबानी अदानी चाहे तो वो जितना चाहे उतना खरीद कर स्टोरेज कर सकते। इसका मतलब क्या होगा, जब किसान अपनी प्याज पैदा करेगा तभी ये प्याज जो स्टोरेज किए होंगे वो छोड़ देंगे मार्केट को, तभी प्याज का रेट 2 रुपया हो जाएगा, और जब किसान खरीद करेगा अपनी शादी बेटी का शादी के लिए तभी किसान ये प्याज का रेट हो जाएगा 80 रुपया, क्योंकि सारी प्याज को सारी प्रोडक्ट को इन्होंने स्टोरेज करके दबा देंगे। ये जो शेयर मार्केट का जो फाइनेंस कैपिटल का खेल है उसमें किसान का प्रोडक्ट शामिल नहीं था एसेंशियल कमोडिटी 1955 का वजह से। इसलिए पूरा शेयर कैपिटल का जो खेल है, शेयर मार्केट का जो खेल है, जो बैंकिंग का जो खेल है, जिसमें सट्टाबाजी का जो खेल है, उसमें किसान को मार्केट में दबा देंगे और किसान अपने आप में यही भिखारी बन जाएगा। इसलिए ये सारी चीज को लेकर ये ऐसे कानून है जो किसान को तो मारेगा, जो कंज्यूमर है उसको भी खत्म करेगा। जो कंज्यूमर सोचता है जब मैं एक मार्केट जाऊंगा तो 20 रुपये में मुझे प्याज मिल जाएगा, वो जो भी 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया में प्याज उसको खरीद करेगा, आप देखिए जो अपने आप में कंज्यूमर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए ये तीनों कानून सिर्फ किसान के लिए नहीं है, पूरा देश के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरी कंज्यूमर के लिए और पूरा देश के लिए घातक है। इसलिए इस लड़ाई को सिर्फ किसान नहीं लड़ना चाहिए, हम बार बार बोलते हैं किसान, नौजवान, बुद्धिजीवी सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। अगर इस लड़ाई को हम लड़कर नहीं जीतेंगे तभी देश खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया अक्षय जी, आपने काफी खूबसूरती से काफी सारे पहलुओं को सामने रखा। 2-3 बातें इसमें उभर करके काफी तेजी मतलब प्रमुखता से आ रही है। उसमें पहला तो ये कि जिस तरीके से सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया है और आपको वहां पे आपने जो अपना किस्सा बताया कि कैसे जैसे ही यूपी में कदम रखते ही तमाम तरीके के दबाव पड़ने शुरू हो गए प्रशासन की तरफ से और ऊपर की सतह से भी,
तो ये जो दमन का जो रास्ता अख्तियार किया है, इसको आप अपने अनुभवों से कैसे देखते हैं? मतलब क्या यह दमन का रास्ता जो है वो पिछली सरकारों की से ज्यादा मतलब विचलित करने वाला है? और ये जिस तरीके से मीडिया पूरी तरीके से सरकार की भजन गान करती है, और जिस तरीके से मीडिया को पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर खरीद करके स्वामित्व अपना करके सरकार की मदद कर रहा है इन सारे मुद्दों को उभारने के लिए, तो इस बात को जो आपने रखा उसको आप इतिहास के संदर्भ में कैसे देखते हैं? एक जमाना था जब एक दौर था इमरजेंसी का, आपातकाल का, दूसरा फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी जमीन के मुद्दे पे काफी सारे कानूनों को लाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत प्रदर्शन और बहुत संघर्ष के बाद उनको वापस लिया गया। तो इसको आप इतिहास के संदर्भ में कैसे देखते हैं? पिछले 20-30 साल में जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन और उदारवाद की नीति अपनाई जा रही है, ये दमन चक्र अभी और बढ़ेगा, या जो ये किसानों ने जो संघर्ष और जो नमूना उदाहरण जो पेश किया, जो मिसाल पेश किया है हम सब लोगों के सामने, उससे सरकार थोड़ी डरी है? तो आप कैसे देखते हैं इस दमन के पूरे चक्र को, और जिस तरीके से संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया गया है, तो ये कहां पर जाकर के रुकेगा? आप इसको अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? हेलो, हेलो अक्षय जी, आप मेरी बात, जी। देखिए, मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ, जब भी ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ, एक नई दौर का बात अगर बोलते हैं 90 का बाद, जब भी डंकल ड्राफ्ट, आर्थर डंकल जो रिपोर्ट लाए, जिसको डंकल ड्राफ्ट हम बोलते हैं, उस डंकल ड्राफ्ट को अगर हम देखें, डंकल ड्राफ्ट उसमें क्या है कि उस समय करीब करीब 1994 में वो डंकल ड्राफ्ट जो आया था, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जो चुक्ति, जो एग्रीमेंट बना, जिसमें भारत समेत 103 देश साइन किए, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत धीमे से हो रहा था। इवन कांग्रेस गवर्नमेंट का समय में भी वो इतना हिम्मत नहीं कर पाए थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। और उस लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट कितना भी हिम्मत किया, मगर एक लिमिट तक जा पाया, आगे नहीं जा पाया। और जो स्वदेश का नारा दे रहे थे बीजेपी गवर्नमेंट, जो स्वदेश का नारा दे रहे थे, जब वो आए, वो भी वाजपेयी का समय में इतना तेजी से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। वाजपेयी जरूर बोले हैं, जो प्रधानमंत्री थे, जे हमको बहुत तेजी से इस चीज को, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, पर बोले पर कर नहीं पाए। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने का बाद, मैंने पूरा जैसे मैंने जिसको बोलते हैं कि द ग्लोबल एजेंट जिस अगर बोला जाता है, तभी हम वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल सकते हैं, जो ग्लोबल एजेंट है उसको इंप्लीमेंट करने का। और वो भी जितना इंप्लीमेंट कर पाए, मगर ये जो कोरोना काल में, जो 2020 में जो कोरोना फरवरी मार्च का बाद जो डेवलप हुई, उसमें देखिए जी, हर चीज प्राइवेटाइज हो गया। आप रेलवे बताइए, आप स्टील बताइए, माइंस लीजिए, इसरो, जबकि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी प्राइवेटाइज कर दिए। डिफेंस, कोई चीज बचा नहीं। और लास्ट अंतिम चीज बचा था जो खेती, और उस खेती को कैसे प्राइवेटाइज करना है कोरोना का टाइम में। देखिए, जो ऑर्डिनेंस कब कराया जाता है, ऑर्डिनेंस अगर लाया जाता कि कोई युद्ध हुआ कि कोरोना के लिए कोई ऑर्डिनेंस लाया जाता तो भी अच्छा होता, कोई बात नहीं, कोरोना कुछ बीमारी ऐसे उस ढंग से है, उसके लिए कुछ ऑर्डिनेंस। कोई कोरोना का नाम पर उन्होंने खेती के लिए ऑर्डिनेंस लाना, ट्रेड एग्रीमेंट खेती को लेकर जिस ढंग से उन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, जिसको
वो जानते हैं कोई सिर्फ लेबर एक्ट को चेंज करा दिए, जानते श्रमिक और किसान ये रास्ता को नहीं आ सकते, पुलिस डंडा लेकर पिट रहा है, है? इसलिए कैसे भी ये बहुत अच्छा मौका है और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। मगर अभी जी आप जो बता रहे पीपुल्स रेजिस्टेंस का पीपुल्स मूवमेंट का बात बोल रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने पूरा कांग्रेस गवर्नमेंट भी उस समय इंदिरा गांधी भी कोशिश किए थे 1975 का अगर इमरजेंसी का दौर आप देखें, उस समय उन्होंने कोशिश किए थे जे पूरा सबका आवाज बंद करने के लिए कोशिश किए थे, कोशिश नहीं किया था इस बात सवाल नहीं है, मगर जितना वो कोशिश किए थे उसमें एक इनियर भयस था, अभी वो इनियर भयस को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। अगर कोई सांवादिक थोड़ा सा कुछ बोले उसको इमीडिएट, कोई एक अगर कोई ट्वीट कर दे उसको जेल में डाल दो, बस। मैंने इतना ऑटोक्रेटिक, इतना फैसिस्ट, मुझे लगता है जी कि आजादी का समय से अभी तक इतना फैसिस्ट राज कभी किसी का कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी राज का समय नहीं था, जो इंडिपेंडेंस का बाद जितना भी पार्टी जितना भी पावर में आए हैं प्राइम मिनिस्टर और जितना भी गवर्नमेंट आए हैं कहां भी इस प्रकार रोल नहीं था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो रोल ले रहे हैं पूरा एक फैसिस्ट रोल है। और आप देखेंगे इस मूवमेंट जो किसान का मूवमेंट चला, वो नहीं चाह रहे थे किसान मूवमेंट चले, आप देखिए कोरोना के टाइम में लाए थे, पर ये तो हिम्मत वाला का काम है जी कि आप देखिए पंजाब से वो किसान चार महीने बैठ दो महीने बैठ कर रहे अपनी स्टेट में, पूरा रेल बंद करते हुए बैठ कर रहे, जब वो आए जी कि पंजाब हरियाणा का किसान आ गए रास्ता का ऊपर, तभी भी वो डायलॉग करने के लिए एग्री नहीं थे। डायलॉग संवाद वार्ता कब शुरू हुआ, जब इन्होंने बैठ गए और ये देखे जी कि हम उठा नहीं पाएंगे, बने गड़बड़ हो जाएगा पूरा देश भर में, तभी टेक्निकली डिप्लोमेटिकली किससे मैनेज करेंगे एक रास्ता अपनाए, ये डायलॉग्स भी होते रहे, मैसेज देते रहे जी कि हम बहुत डेमोक्रेटिक है, हम डायलॉग्स कर रहे, पर कुछ नतीजा ना निकले। मगर बोल रहे थे कोई बोल रहे काला कानून क्या है, काला है क्या, अगर काला नहीं है तो भी आप बोल रहे जी कि संशोधन करने के लिए आप जितना सुधार करने के लिए बोल रहे हो आप सारी चीज सुधार कर लेंगे बोल रहे हो। हमने तुम्हारे साहब से बोला जी कि मंत्री साहब से आप बोलते आप एक सुधार कर लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को खेती का सेक्टर से उस एग्रीमेंट से हटा दीजिए, बोले नहीं ये तो हो नहीं हो सकता। मैंने मतलब इसका मतलब ये है जे कॉर्पोरेट सेक्टर को रहते हुए उसका अंदर रखते हुए आप जो कमा पुलिस हटाना है हटा लो, मतलब क्या है, मतलब है जी उसका आत्मा है कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको नहीं हटाएंगे, अगर उसको हटाएंगे तो तभी इतना प्रेशर जी कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का अंबानी अदानी का है, जी आप उसको हटाएंगे तो पूरा जितना कई हम तो डाटा नहीं जानते हैं पर जो पूरा सिनेरियो है वो दिखाई दे रहा है, कितना पैसा इलेक्शन के लिए लिए थे पता नहीं है, जिसमें नहीं हटा पाएंगे। एक साल पहले उन्होंने अपने स्टोर खोलकर रखे, बिल्डिंग बनाकर रखे स्टोरेज के लिए, इसलिए सवाल ये उस मूवमेंट को। मगर जैसे आगे बढ़ा तभी उन्होंने डायलॉग के लिए मजबूर हुए, बाद में बोले कि हम संशोधन करेंगे, और बाद में बोले हम डेढ़ साल तक पोस्टपोन कर देंगे। जिस बात को आप बोल रहे हैं डेढ़ साल तक पोस्टपोन कर देंगे, एक एक स्टेप आगे जा रहे, जैसे देख रहे मूवमेंट आगे बढ़ रहे, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, जब भी उन्होंने देखे जे इस मूवमेंट को हम दबा नहीं पाएंगे ऐसे, हम उसको डिप्लोमेटिकली कैसे तोड़ेंगे, इसलिए जनवरी 26 का यूटिलाइज किए उस वेपन, उसको डिप्लोमेटिकली तोड़ेंगे। और किसान देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, उन्होंने पूरा जी देखो जातीय झंडा जो नेशनल फ्लैग है उसका असम्मान कर रहा है, और उसको इसलिए हम उसको यही बैठने का जो किसान यही कर रहे हैं ये देशद्रोही है, इसको इनको हटाना चाहिए। मगर ऐसे है उस समय सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया जी कि नहीं किसान जो बैठे हैं वो रास्ता नहीं रोके, या आप गवर्नमेंट रास्ता रोका है, इसलिए एक चीज जनता का जो एग्रेसिवनेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी अंडर करेंट पूरा देश भर में चल रहा है इस गवर्नमेंट और इस जो पॉलिसी को लेकर सरकार नहीं मान रहा है हटाने का एक ब्लैक कानून को, उसको लेकर एक अंडरग्राउंड पूरा देश भर में चल रहा है, हर जगह पर हर गांव गांव में डिस्कशन शुरू हो रहा है कि किसान का बात सरकार नहीं सुन रहा है। अरे ये जो अंडरकरेंट है, ये अंडरकरेंट एक दिन सरकार कितना भी कोशिश करे, कितना भी षडयंत्र करे, डिप्लोमेसी करे, कंस्पिरेसी करे, मगर ये जो अंडरकरेंट बन रहा है, ये अंडरकरेंट एक दिन ऐसे ऑर्गेनाइज होगा, ये सरकार को सबक सिखाएगा और सही डेमोक्रेसी को, सही लोकतंत्र को स्थापित करने का एक नई रास्ता तैयार करेगा, एक नई अल्टरनेटिव तैयार करेगा।
हाँ, तो एक और जो सरकार एक और चीज जो कह रही है, वो कह रही है कि जो आंदोलन है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा और कुछ हद तक वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों तक ही सीमित है, बाकी जो राज्य हैं उनके किसानों को उतना लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि इसमें तो पूरे देश के किसान शामिल हैं, और खास करके जो उड़ीसा का आपका अनुभव रहा है, तो उड़ीसा में मंडी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, और उड़ीसा का के जो लोकल जो समस्याएं हैं वो कौन सी समस्याएं हैं, और खास करके मतलब देश पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, उड़ीसा के जैसे राज्य को आप किस संदर्भ में देखते हैं इन सब काले कानूनों के परिप्रेक्ष्य में? मतलब एक एक तो उड़ीसा में जो हीराकुल डैम है उसके थ्रू भी काफी पैडी और मेज वगैरह वहां पे होता है, तो उड़ीसा के किसान इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पे अगर आप कुछ कह सकें। देखिए अमित जी, जैसे पंजाब में मंडी सिस्टम मजबूत है, एपीएमसी सिस्टम मजबूत है, उस प्रकार का जो मंडी है, यही मंडी सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। वहां जैसे स्टोरेज सिस्टम है, मंडी मतलब जी कि वहां पूरा स्टोरेज का व्यवस्था है, उस प्रकार व्यवस्था जी उड़ीसा में नहीं है। मगर सवाल यह है, गवर्नमेंट जिस बात को बार बार बोल रहे हैं, यही का जो उनका जो एजेंट है बार बार बोल रहे हैं, देखिए जे सवाल ये है कि जो बात को बार बार ही बोल रहे हैं कि देखो यही मंडी सिस्टम अच्छा नहीं है और इसके लिए प्राइवेट एजेंसी आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहे हैं, जैसे हमारा घर थोड़ा टूटा हुआ है, मगर उस टूटा हुआ घर को सुधारना चाहिए, मगर गवर्नमेंट बोल रहा है पूरा कमरा ही हटा दो, उस मकान ही हटा दो, पूरा आसमान देखो। ये मतलब हुआ क्या? जो लिबरलाइज सर मतलब ये बोल रहे हैं जे आप मकान हटा दो, आसमान को देखो, आसमान का नीचे रहो, बहुत बहुत लिबर्टी है। सवाल ये है, उड़ीसा में जो सिस्टम है वो मंडी सिस्टम में गड़बड़ी है, उसमें जरूर जे कि अगर 1868 रुपया का जो पैडी का रेट है, किसान ही 1200 रुपया में बेच देता है अपनी पैडी जो है, 1200 रुपया बेच देता है दारू। पर सवाल ये है, उसमें जो गड़बड़िया है वो मैनेजमेंट का गड़बड़िया है, इंप्लीमेंटेशन का गड़बड़िया है, गड़बड़ी है, उसको सुधारने का जरूरत है। उसको एडमिनिस्ट्रेशन अगर मजबूत होगा उसको सुधारेगा, पर इसका मतलब नहीं है कि उसको हम प्राइवेट कंपनी का हाथ को उठा दे चीज को लेकर। ऐसे ही दूसरी बात जो बात बोल रहे हैं कि यही का जो प्रोडक्शन होता है, अगर किसान देखता है कि मैं अगर यही मंडी में इतना दिया, अगर उसका बात अगर सरकार नहीं ले पा रहा है, अगर कोई प्राइवेट ले रहा है मैं उसको दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। मगर सवाल यह है, इन्होंने जिस जो कानून को लेकर आए, उन्होंने एक पैरेलल मंडी सिस्टम को लेकर आ रहे हैं जिसमें स्टेट का जो स्ट्रक्चर है उसको पूरा खत्म करने का, उसको पूरा मोनोपोलाइज कर, माने मोनोपोली में कन्वर्ट करने का पूरा एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। अगर वो मोनोपोली आ जाए तभी जो किसान है अपनी जो स्वावलंबनशीलता, अपनी जो संविधान का आधार पर अपनी स्वावलंबनशीलता को लेकर जो खड़ा है, उसका स्वावलंबनशीलता खत्म हो जाएगा। उसका पास में अपनी ना ना आज का जो बीज है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होगा, अपनी बीज से लेकर खाद से लेकर उसका पास थोड़ा सा इंडिपेंडेंस है, उस इंडिपेंडेंस को पूरा छीनने का गवर्नमेंट इस जो कानून लेकर आ रहा है पूरा छीन छीन लेगा, माने उसका पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए सवाल यह है, उड़ीसा का अपनी जो सिस्टम है मंडी सिस्टम, वो उसमें कमी है, जरूर कमी है, पर उसको सुधारने का जरूरत है, उसको रिस्ट्रक्चर करने का जरूरत है, ना कि उस स्ट्रक्चर को पूरा हटा देने का बात। इसलिए ये जो बात बोल रहे हैं कि हम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर आ जाएगा तभी छोटा किसान बड़ा फायदा मिलेगा उनको, ये पूरा एक दिवा स्वप्न है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं। नहीं, एक चीज जो मुझे खास करके परेशान करती है वो ये है कि जो तस्वीर अभी पेश की जा रही है पूरे देश भर के सामने कि कॉरपोरेट सेक्टर को लाने से खेती का मॉडर्नाइजेशन होगा, खेती का आधुनिकीकरण होगा, जहाँ पे सरकार के इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करने का काम करेगी।
और इसमें जो है वो मंडियों का आधुनिकीकरण होने के वजह से जो अनाज की बर्बादी होती थी वो नहीं होगी, कोल्ड स्टोरेज बढ़ेंगे, तो तमाम तरीके के जो दिवा स्वप्न दिखाए जा रहे हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये किस हद तक सही है? देखिए अमित जी, अगर जैसा हम एजुकेशन का सेक्टर में बोल रहे थे, ये प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, ये क्या एक जैसे कॉन्सेप्ट बनाया गया है, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा टीचर और अच्छा पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएगा, करेगा माने उस सिस्टम को क्यों नहीं बना पाएगा सरकार? ऐसे ही जो मंडी है, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, उसको क्यों मॉडर्नाइज नहीं कर पाएंगे? उसको गवर्नमेंट स्टेट क्यों, उसके लिए वेलफेयर गवर्नमेंट जो है उसके लिए इनिशिएटिव क्यों नहीं लगा? इनिशिएटिव को खत्म करते हुए उस चीज में उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को लाने का मतलब क्या है? अगर इसमें अगर सही ढंग से उसका इनिशिएटिव लेंगे तभी वो कॉर्पोरेट सेक्टर आने का जरूरत नहीं है, अगर आएगा भी तब वो उसके लिए कोई कानून बनाने का जरूरत नहीं है कि उनको इसमें फायदा दिया जाएगा, उनका लिए टैक्स नहीं बैठेगा, ये तरह का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो है पूरा एक सोची समझी ये रणनीति है, स्ट्रेटेजी है उनका, कंस्पिरेसी है कि कैसे उस कॉर्पोरेट सेक्टर को घुसाना है जो जिनका हाथ में पूरा कंट्रोल छोड़ दे, पूरा ये अनाज और ये जो पूरा मंडी सिस्टम से लेकर स्टोरेज सिस्टम से लेकर पूरा मार्केटिंग से लेकर उनका ये तक क्या ई ट्रेडिंग तक सारी कंट्रोल को हम कॉर्पोरेट सेक्टर हाथ में छोड़ दे। इसलिए हमको लग रहा है गवर्नमेंट पहले अपनी सिस्टम को सुधारे, अपनी जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करे, उसको मॉडर्नाइज करे, उसके लिए किसान को जो फैसिलिटी दे पाएगा वो दे, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर को लाकर एक कंपटीशन का आधार पर खड़ा करके ये स्टेट का जो अपनी स्ट्रक्चर है उसको अपने आप में खत्म कर। एक्चुअली मैं भी किसान आंदोलन में 3 दिन मैंने भी पार्टिसिपेट किया मार्च फरवरी के महीने में, तो वहां पे जो मेरी किसानों से बातचीत हुई उसमें इन सारे कानून के अलावा और भी कुछ मुद्दे थे, जैसे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उनको सामने दिख रहा है वो ये है कि उनकी खेती मतलब जो जमीन है वही हड़पने के चक्कर में सरकार और कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये उनका कहना था। तो जैसे कि कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई तो वहाँ पे था कि यहाँ पे मतलब 0.1 एकड़ से लेकर के 25 एकड़ तक के किसान जो है वो प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, मतलब कि छोटे किसानों के अलावा बड़े बड़े किसान भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो उसका ड्रीम है और जो उसकी थिंकिंग है उसमें है कि वो 10,000 एकड़ पे खेती करने की बात कर रहे हैं जी, तो जी, तो इतने बड़े पैमाने पर जो खेती होगी तो ये याद दिलाता है जो जिस तरीके से लैटिन अमेरिका स्पेशली मेक्सिको में जिस तरीके से खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, ये उन्हीं सारे मॉडलों को वाशिंगटन कंसेंसस के तहत लाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे जो जमीन के स्वामित्व का मुद्दा है, जो जमीन का मालिक जो है जमीन बिक्री शुरू हो जाएगी, इस पे आप कुछ अगर प्रकाश डाल सकें। देखिए मैं आपको अमित जी क्या बताया, जब भी बार बार प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं और शासक दल ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि हम जमीन छीनेंगे नहीं, जमीन कोई कंपनी लेगा नहीं, मगर कंपनी जमीन खरीद नहीं करेगा, मगर लीज बेसिस पर जब 5 साल से 10 साल से लेकर ऐसे मजबूरी में किसान फंस जाएगा वो उसको 50 साल के लीज दे देगा, जब 50 साल के लिए लीज दे देगा और उसका पास 10,000 एकड़ जमीन सारी किसान से वो छीन कर ले लेगा जो कि लीज बेसिस पर, तभी तो वो अपने आप में मालिक बन गया। इसलिए कंपनी का राज चलेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर का राज चलेगा, वो मालिक बन जाएगा और खुद किसान वहां मजदूर बन जाएगा। ये जो उस बात है जिसमें और सिर्फ ये मजदूर बनेगा वो मालिक बनेगा उतना बात नहीं है, अपने हाथ से पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, अपनी बीज अपनी खाद हाँ? ये पूरा सिस्टम जो है वो कंपनी का कंट्रोल में चल जाएगा, मार्केटिंग पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर उस मार्केटिंग को हाथ में ले लेंगे जिसमें किसान का हाथ में कुछ नहीं रहेगा। इसलिए किसान का जो स्वावलंबन वो अगर खत्म हो जाएगा, इसलिए हम जो बोल रहे हैं
इंग्रेज आने का पहले एग्रीकल्चर सेंटर में था, इंडस्ट्री पेरिफेरी में था। अभी इंग्रेज आने के बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर पेरिफेरी में चला गया, इंडस्ट्री सेंटर में चला गया। सेम सिस्टम जो पहले से इतना तेजी से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, ये एलपीजी का दौर में, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का दौर में, ये जो सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर अभी पेरिफेरी में है, इंडस्ट्री सेंटर में है, और ये इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर है, मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर है, ना कि ये एग्रीकल्चर सेंटर में है और इंडस्ट्री जो रहेगा एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर कृषि का व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रहेगा, ना कि एग्रीकल्चर जो है अगर पेरिफेरी में चला गया, इंडस्ट्री सेंटर में आ गया, इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर है। इसलिए एग्रीकल्चर का खेती का जो संदर्भ है वो खत्म हो गया, उसको वो पूरी कॉर्पोरेट का हाथ में चला गया, वो सारी कंट्रोल मार्केट से लेकर सारी चीज का कंट्रोल उनका हाथ में चला गया, और किसान को मजदूर बना देगा और कंपनी वहां मालिक बन जाएगी। नहीं, एक तो जो आपने अभी कहा कि किसान मजदूर बन जाएगा, तो इस मजदूर के सवाल को थोड़ा हम लोग सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं। तो एक धारा प्रोग्रेसिव तबके का ये भी मानता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जा रही है मंडियों में, उसके आने से अगर वो सभी फसलों पे लागू कर दिया जाता है तो उससे अनाज का दाम बढ़ जाएगा मार्केट में और उससे महंगाई बढ़ेगी, जिसका सीधा असर जो है वो मजदूरों पे पड़ेगा। तो मजदूरों का एक तबका जो है वो सीधा सीधा इससे प्रभाव में आ जाएगा अगर हम MSP सारी फसलों पे लागू कर देते हैं। दूसरी इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है कि किसान अगर मजदूर बन जाता है तो उसमें उतनी समस्या नहीं है जितनी ये है कि मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो मोनोपोली ऑफ लैंड मार्केट और कंप्लीट जो ग्रेन्स का मोनोपोली ट्रेडिंग, जो रिटेल सेक्टर और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो सवाल हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करने की जरूरत है कि कैसे रिटेल सेक्टर के जो मोनोपोली कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जैसे अमेजोन हो गए, फ्लिपकार्ट हो गया, अभी जियो का भी आया है, तो ये अभी जो आपने बोली ई ट्रेडिंग करके जो ये काम शुरू कर रहे हैं, तो रिटेल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों को साथ में देखने की जरूरत है। और मतलब इसमें मोनोपोली और फाइनेंस कैपिटल जो आपने वर्ड लाया, आई थिंक वहां पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि मजदूरों किसान अगर मजदूर बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जो है मजदूर एक खराब स्टेज हो गया सोसाइटी के डेवलपमेंट का। लेकिन अगर वही चीज है कि अगर जो मजदूर जो है वो किसानों के साथ जुड़े और इस मूवमेंट में उसी हद तक पार्टिसिपेट करे जिस हद तक किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए मतलब क्या करना चाहिए और उसके लिए क्या कोई प्रक्रिया जारी है, कुछ लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है? देखिए अमित जी, मैं मजदूर बनना बुरा बात नहीं है, मैं जो बात बोल रहा हूँ, मैं बंडेड लेबर का बात बोल रहा हूँ। ये न्यू इंपीरियलिज्म जो है, जो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन दौर में जो चीज ये ला रहे हैं, ये बंडेड लेबर का बात ला रहे हैं, ये नए टाइप का, माने जो सामंतवाद में जो बंडेड लेबरर था, जो साम्राज्यवाद का बंडेड लेबरर, वो क्रिएट कर रहे हैं कौन, ये जो कंपनी, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहे हैं, और ये बड़ा खतरनाक है। सामंतवाद का जो बंडेड लेबरर था उससे ये जो न्यू इंपीरियलिज्म जो बंडेड लेबरर आ रहा है, दैट इज मोर डेंजरियस देन द बंडेड लेबरर इन द टाइम ऑफ फेडरलिज्म, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और जो उसका अपने मजदूर का भी अपनी इंडिपेंडेंस है, पर बंडेड लेबर का कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, उसका सोच का भी इंडिपेंडेंस नहीं है, उसको खत्म कर रहे हैं। समतवाद में अगर आप फ्यूडल कैरेक्टर में देखोगे, फ्यूडल ये में जो मजदूर था, मिनिमम उसका सोच कुछ था, थोड़ा सा बचा था, पर इसमें उसका पूरा सोच को खत्म कर रहे हैं। इसलिए ये तो एक कल्चरल स्लेवरी पैदा कर रहे हैं, कल्चरल स्लेवरी, सांस्कृतिक दास्ता पैदा कर रहे हैं। जो बात है, ये मैं जो लेबर का, मैं जो मजदूर का बात जो बोल रहा हूँ, उस बंडल लेबर का बात बोल रहा हूँ, ये बंडल लेबर क्रिएट कर रहे हैं ये न्यू इंपीरियलिज्म का दौर में, ये पहला बात है। दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जैसा आप बोल रहे हैं कि ये जो कंपनी है,
बात ये नहीं जी कि वो सिर्फ स्टोरेज कर देंगे। मैं बात को बार बार उस बात को पहले ही थोड़ा सा फोकस किया था, उस बात को जो पहले बोला था इंट्रोडक्शन में, ये जब भी ये जब भी कंपनी आएंगे, जो मंडी से लेकर सारी सिस्टम मार्केट को अपने हाथ में लेंगे, पहला कानून में फार्मर का नाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर घुस गए, दूसरा कानून में कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम पर गला पकड़ लिए, और तीसरा कानून में खत्म कर दिए, आदमी को ही खत्म कर दिए, किसानों मार दिए। ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है जिसमें मोनोपोली को लेकर फाइनेंस कैपिटल का रोल जो है, फाइनेंस कैपिटल सबसे बड़ा दुनिया में अगर हबी है वो फाइनेंस कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल इंडस्ट्री फाइनेंस कैपिटल, और फाइनेंस कैपिटल का जो रोल है वो जिस ढंग से रोल प्ले कर रहा है, और उसको रोल को प्ले कराने में जो प्लेयर लगे हुए हैं, वो जो मल्टीनेशनल, वो जो इंपेरियलिज्म इंपेरियलिस्टिक फोर्सेस लगे हुए हैं, वो जिस ढंग से लगे हुए हैं उसमें हर प्रोडक्ट को लेकर फाइनेंस कैपिटल प्ले कर रहे हैं सट्टा बाजारी में, पर किसान का जो प्रोडक्ट है, किसान का जो जमीन है, वो फाइनेंस कैपिटल से करीब करीब 70% 30% कब्जा में था, नहीं था ऐसी बात नहीं है, पर 70% मुक्त था। अभी 100% उस आधार पर फाइनेंस कैपिटल को लेकर वो रोल प्ले करना चाह रहे हैं, और पूरा मार्केट को उनका अंदर कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ये सबसे खतरनाक है। इसलिए खेती का सेक्टर पर उसका चाहे प्रोडक्ट को लेकर हो, उसका चाहे उसका अपनी लेबर को लेकर हो, उसका चाहे अपनी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड को लेकर हो, उसका नदी व पानी को लेकर हो, उसका जंगल को लेकर हो, अगर ये सारी चीज का कंट्रोल अगर कॉर्पोरेट सेक्टर का हाथ में चलेगा जाएगा, इसका मतलब है कि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर दुनिया को मैंने 90% लोग मरेंगे, और 9% लोग तो दलाल बन जाएंगे, और 1% का लोगों का राज चलेगा, वो जैसे चाहेंगे दुनिया को नचाएंगे, 90% लोग का इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा खतरनाक है आज का डेमोक्रेसी में। अगर डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं तभी खेती को बचाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर का क्लॉज से, उनका कब्जा से खेती को और किसानी को बचाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, कॉर्पोरेट सेक्टर से काफी नुकसान होने वाला है। और दरअसल इन सारे मुद्दों को ठीक तरीके से समझने की भी जरूरत है कि नुकसान अगर होता है तो किस तरीके से होता है। मैं बाकी सब साथियों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने सवाल को रखें, और अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। जी, मैं प्रवीण श्रीवास्तव बोल रहा हूँ लखनऊ से। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे MSP प्राइस पे अनाज खरीदने की बात है, तो जैसा भी अमित जी ने कहा थी कि अगर हम MSP पे अनाज खरीदेंगे तो फिर रिटेल प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे, तो अगर हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि MSP पे ही सारे अनाज खरीदे जाएं, तो फिर हमको एक अच्छा कॉपरेटिव मॉडल दिखाना पड़ेगा कि हम MSP देने के बावजूद भी रिटेल प्राइस को बढ़ने नहीं देंगे, बहुत कम मुनाफे पे इस तरीके की पॉसिबिलिटी है। ये चीज तो क्योंकि गवर्नमेंट भी इसी वजह से मुझे लग रहा है कि MSP पे सारे अनाज नहीं खरीद सकते, अदरवाइज जो है मार्केट में प्राइस बढ़ जाएंगे। इसका अल्टरनेटिव क्या होगा? एक तरफ MSP जरूरी भी है कि किसान को उसका प्राइस नहीं मिलता है, लेकिन साथ ही साथ मार्केट में प्राइस भी हमारा है, इन दोनों के बीच में कैसे जी जी बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो अक्षय जी, आप कैसे देखते हैं, अगर MSP के बढ़ने से अनाज के दाम मार्केट में बढ़ेंगे तो उनपे कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए अमित जी, हमारा जो शहरी वर्ग का जो सोच है, हम एक्चुअली अगर हम स्वराज का कंसेप्ट को ले, एक्चुअली जो बात जिस चीज के लिए आजादी हमको मिला था उसका पहला सोच क्या था, अगर अगर किसी साथियों ने अगर पढ़े होंगे, गांधी जी ने एक छोटी सी किताब लिखी थी हिंद स्वराज, उसको अगर लिखे उसको अगर आप पढ़े होंगे उसमें देखेंगे एक बात, उन्होंने सिविलाइजेशन का अटैक किया है। हमारे जो सिविलाइजेशन है वो क्या है, हमारे जो सिविलाइजेशन है जिसमें पूरा पाश्चात्य सभ्यता पर जो अटैक किया है गांधी जी ने, उसमें क्या है कि आज जो आदमी है, जो गाँव का आदमी है, वो शहर की तरफ भाग रहा है। हम व्यवस्था क्या चाहते हैं कि शहर का जो आदमी है वो गांव का तरफ जाए। ये एक डायनेमिक्स है, जो व्यवस्था परिवर्तन का डायनेमिक्स है, इस संदर्भ में बात कर रहा हूं।
हमने जो प्राइस प्रेस्टीज पेंशन का बात तो रहे, बार बार ये उठता है कि देखो जो अनाज बढ़ जाएगा तभी कंज्यूमर परेशान पड़ जाएंगे कि पूरा जब भी अनाज बढ़ने का अगर वो फायदा अगर किसान को मिलता है, अगर अनाज बढ़ने का फायदा अगर कॉर्पोरेट सेक्टर उठा लेते हैं, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर उठा लेते हैं, अगर जो पैदा करता है उसको नहीं मिलता है, वो व्यक्ति जो पैदा करता है वो भूखा मरता है, और जो व्यक्ति पैदा नहीं करता है, जो जस्ट इधर से उधर कर लेता है, नहीं तो फाइनेंस कैपिटल का खेल में शामिल हो जाता है, वो उसका फायदा लेता है। इसलिए हम जो व्यवस्था का बात बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऐसे व्यवस्था जिसमें आदमी गांव से शहर का तरफ ना जाए, शहर से गांव का तरफ जाए। इसलिए जो आदमी प्रोडक्शन सेक्टर में लगेगा वो जरूर अपनी प्रोडक्शन जो करेगा उसका फायदा उसको मिले। दूसरी बात है, जो शामिल होगा उसी व्यवस्था में, उसी किसान का व्यवस्था जिसमें बोल रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेंटर में था, इंडस्ट्री पेरिफेरी में था, आजादी का बाद इंडस्ट्री पेरिफेरी में चला गया, और सॉरी एग्रीकल्चर पेरिफेरी में चला गया, इंडस्ट्री सेंटर में आ गया। हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेंटर में जाए, इसका मतलब गांव से आदमी शहर का तरफ ना भागे, शहर से आदमी गांव का तरफ जाए। इसलिए जो व्यक्ति जैसे अगर ये व्यवस्था में क्या होगा, वो गांव का तरफ जाएगा, और दूसरी जो आदमी शहर में रहेगा और 2.5 लाख रुपये का उसको तनख्वाह मिलेगा, तभी वो 300 रुपया में खरीद करे ना, दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे 1972 में मूल्यांकन करें, किसान क्यों, आज की 50 साल पहले किसान का घर में शादी कराना एक इज्जत का सवाल माना जाता था, आज किसान का घर में शादी करना नहीं, कोई नौकर है, कोई चपरासी है, तनख्वाह 18,000 रुपये मिलता है, उसका घर में कोई शादी कराएगा, बेटी देगा, मगर किसान का घर में नहीं देगा, ऐसे की बात क्यों। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, 1972 में अगर हम देखें, उस समय एक गेहूं और एक क्विंटल गेहूं, एक क्विंटल पैड़ी जो है, धान जो है, उसका कीमत करीब करीब 75 से 80 रुपीस था। उस समय एक चपरासी का तनख्वाह था 18 रुपया, एक जो प्राइमरी स्कूल टीचर है उसका तनख्वाह था 40 रुपया, 180 रुपया। किसका कितना टाइम बढ़ा है आप देखेंगे, सोना था एक भरी जो 10 ग्राम का 240 रुपया, 3 क्विंटल गेहूं बेचता था तभी एक 10 ग्राम का सोना खरीद करता था। आज अगर 40 क्विंटल 50 क्विंटल गेहूं बेचेगा फिर भी उसका खरीद नहीं कर पाएगा, एक 10 ग्राम सोना खरीद नहीं कर पाएगा। इसका मतलब आप देखेंगे जो सोना अगर 200 गुना बढ़ा है, उस समय जो तनख्वाह है सरकारी कर्मचारी का वो बढ़ा है करीब करीब 1,000 से 2,000 गुना। एक 18 रुपया तनख्वाह जिसको सरप्राइज मिलता था आज 18,000 रुपया मिल रहा है, जिसको 40 रुपया तनख्वाह मिलता था उसको 40,000 मिल रहा है, जिस ऑफिसर को 120 रुपया मिलता था, 180 रुपया मिलता था, उसको 2.5 लाख रुपया मिल रहा है। मगर साला जो है गवर्नमेंट सर्वेंट का वो करीब करीब 1,000 से 2,000 गुना बढ़ा, मगर जो किसान है उसका अनाज सिर्फ 20 गुना बढ़ा। अगर वही सोना 200 गुना बढ़ा, अगर ये भी 200 गुना बढ़ता तब ये 16,000 रुपया गेहूं का रेट होता आज। इसका मतलब है कि कितना बार्गेन हो गया इस इन्फ्लेशन में, इस मुद्रास्फीति में, उसको पूरा उसका गला घोट दिया गया। इसलिए सवाल उठ रहा है, अगर ये अनाज का सही रेट उसको मिलेगा, जिसको स्वामीनाथन कमिटी जिस इम्प्लीमेंटेशन किए थे, जो C2+50% फॉर्मूला में, जिसको मोदी जी बोले कि हमने करा दिए, देखो C2+50% फॉर्मूला का उस आधार पर दिया ही नहीं। जब कोई पंजाब का चाची किसान पीआईएल किया तो उन्होंने बोले कि नहीं, वो तो मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो था। अरे इलेक्शन मैनिफेस्टो आपने बोले, कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं किया, आप लोगों ने वोट दिए, उसका मतलब आपने बोले कि नहीं, वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, वी आर नॉट बाउंड बाय दैट लीगली। इसका मतलब है, इसलिए मैं जो बात बोल रहा हूँ, जो सवाल का जवाब आपको दे रहा हूं, कि ये जो बात है जो लोग बोल रहे हैं, जे ये किसान को, किसान अगर सही रेट उसको मिलेगा, एमएसपी का C2+50% फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, तभी कंज्यूमर परेशान हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कंज्यूमर परेशान नहीं होंगे, वो व्यक्ति जो परेशान होगा उस खेती का व्यवस्था में जुड़ेगा, वो गांव का तरफ भागेगा, जो नहीं जुड़ेगा उस इंडस्ट्रियल व्यवस्था में रहेगा,
उस नौकरी सही व्यवस्था में रहेगा तब उसका तनख्वाह तो करीब करीब 18,000 से 2 लाख रुपया उसको मिलेगा, तब वो 400 रुपया में गेहूं खरीद करेगा और किसान को 400 रुपया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहां दिक्कत है? जब आप देखिए बहुत मजा का बात है, जब पूरा सब्सिडी का नाम पर, इंसेंटिव का नाम पर, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को कितना छोड़ दिया जाता है पैसा, करोड़ रुपया, मगर जब वही बात आता है जो किसान को दो, बोलते नहीं नहीं वो तो मार्केट गड़बड़ हो जाएगा, मार्केट इमानस हो जाएगा। इसलिए सवाल ये उठता है कि हम कौन सी व्यवस्था चाहते हैं, स्वराज केंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं, कृषि केंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं, या पश्चिमी सभ्यता पर आधारित इंडस्ट्री केंद्रित शिल्प केंद्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं। हम नहीं बोलते जी शिल्प नहीं चाहिए, शिल्प जरूर चाहिए, इंडस्ट्री जरूर चाहिए, पर इंडस्ट्री पेरिफेरी में रहेगा या खेती पेरिफेरी में रहेगा, यह आज का सवाल है। अगर खेती पेरिफेरी में रहेगा, इंडस्ट्री अगर पेरिफेरी में रहेगा और खेती केंद्र में रहेगा, इसका मतलब स्वराज, आदमी का स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान वो अपने लेकर वो जी पाएगा, और अपनी एक व्यवस्था जिसमें जिस बात को हम बोल रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फॉर द मासेस, मास प्रोडक्शन जिसमें 100 आदमी का रोजगार को 1 आदमी छीन लेगा, प्रोडक्शन फॉर द मासेस जिसमें 100 आदमी का जो जरूरत होगा वो 100 आदमी का पेट भरेगा। इसलिए इस कैपिटलिज्म का जो एजेंडा है, इंपीरियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म का जो एजेंडा है, वो चाहता है कि 1 आदमी का हाथ में हर चीज छीन कर पहुंच जाए जबकि 100 आदमी मर जाए। इसलिए इस व्यवस्था को अगर खत्म करना है, हम इस व्यवस्था को उसका दूसरी जो विकल्प का व्यवस्था है, जो विकल्प का व्यवस्था हम समझते हैं का आधार पर वो आगे बढ़ ही रहा था, पर अंग्रेज उसको खत्म कर दिए, और अभी जो नए अंग्रेज है वो अपने आप में जिस ढंग से जिस तीव्रता के साथ जितना तीव्रता के साथ इसको लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब उसका आधार ही खत्म करने जा रहे हैं। इस पे मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो अनाज का दाम होता है वो उसके कॉस्ट पे भी निर्भर करता है। अभी क्या हो रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट है खेती में वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे खाद का दाम, बीज का दाम, तेल का दाम। तो एक उपाय तो ये किया सकता है कि आप कॉस्ट को कितना कम से कम करें, तो उसमें मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देती है और सिंचाई के नए नए साधन डेवलप करती है, तो जो ट्यूबवेल लगाने का जो पैसा खर्च होता है, जो पानी निकालने का पैसा खर्च होता है, बिजली का पैसा खर्च होता है किसानों का, वो एक बहुत ही बड़ी तादाद में कम हो जाएगा और उससे उसके दाम पे सीधा असर पड़ेगा। तो एक तो वहाँ है कि खेती में एक लार्ज लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है, स्पेशली इरिगेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने की जरूरत है, और साथ ही मतलब हाइब्रिड बीजों की बजाय अगर किसान जो है वो पुराना, जैसा कि आप बोल रहे हैं, गांधीयन मॉडल जिसमें स्वदेशी बीजों पर भी निर्भरता को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उससे होता यह है कि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और वो किसान उतना पैदा नहीं कर पाता है जितना हाइब्रिड सीड्स के थ्रू होता है। तो एक है कि खेती का जो संपूर्ण मॉडल जो हमारे सामने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आया है, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, जो मतलब गांधीयन थॉट और मतलब जो बाकी सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो थॉट डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, और उसके थ्रू हम लोगों को ये करने की जरूरत है कि खेती में लगने वाले कॉस्ट को कैसे कमाया जाए, और साथ ही साथ जो किसानों का बाकी जगहों पे जो खर्च होता है, जैसे कि एजुकेशन पे या फिर हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे और पढ़ाई लिखाई पे बच्चों के, वो उसको भी इस सरकार ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर भी उनका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो इस कारण से भी कई सारे किसान जो हैं वो कर्ज में जा रहे हैं। तो जो कॉमन की जो अवधारणा है कि कॉमन होनी चाहिए, नेशनल संपत्ति होनी चाहिए और एक साझी संपत्ति होनी चाहिए सबकी, उसको सरकार धीरे धीरे दरकिनार करके सारा कुछ प्राइवेट करने की बात हो रही है। तो इसमें
नुकसान जो है वो सिर्फ किसानों का नहीं पूरे देशभर के लोगों का हो रहा है, क्योंकि उसमें किसानों के बीच भी असमानता बढ़ रही है इन सारे पॉलिसीज की वजह से, और लॉन्ग रन में जो इवन रिच किसान है वो भी हाशिए पे चले जाएंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा मिलेगा। तो वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए, और जो बाकी सब कॉस्ट्स हैं जैसे एजुकेशन हेल्थ वगैरह उसमें सरकारी सुविधाएं कैसी बढ़ाई जाए। जी, इसके साथ मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर किसानी है वो, जैसे किसान अपने बहुत से बिजनेस करते हैं तो वो छोटे मोटे एग्रीकल्चर से संबंधित व्यवसाय हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत महंगे मार्केट में बिकते हैं, तो वो उस लेवल पे किसान अपनी कॉपरेटिव बना के कुछ काम शुरू कर सकते हैं। मतलब सिर्फ फल उगाना ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे आप देखिए कि चिप्स की कंपनी जो है जरा सा आधा किलो आलू के चिप्स कितने महंगे बेचते हैं, तो ये प्रोडक्शन विलेज लेवल पे होना चाहिए। इस तरीके के बहुत कॉर्पोरेटाइजेशन गलत है, लेकिन छोटे छोटे प्राइवेट लोग अगर प्रोडक्शन करें और उसको मार्केटिंग करें तो वो उनकी आय की और भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा अक्षय जी, आप ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या काम हो रहा है, और अभी आंदोलन बढ़ रहा है आगे किस दिशा में जा रहा है, और इस थोड़ा सा इसको कहते हुए हम चर्चा को समाप्त करेंगे कि अभी फिलहाल आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं, किस दिशा में जा रहा है। देखिए अभी जो आंदोलन है, हम जैसे महापंचायत हमने उड़ीसा में किए, अभी 18 तारीख को हेलो, हाँ जी कट रहा है। हाँ देखिए, अभी जो आंदोलन जो चल रहा है जिसमें पूरा महापंचायत का दौर जो पूरा देश भर में आपकी आवाज कट रही है। हाँ, हाँ, इसलिए उस महापंचायत जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें क्या कि पूरा देश भर में जिसमें गवर्नमेंट की कोशिश कर रहा है कि नई मूवमेंट नहीं है कि उसमें और जगह पर मूवमेंट नहीं है, जैसे पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उतना ही जुड़ा हुआ है, मगर हमने जहां तक पूरा देश भर का दौरा कर रहे हैं और पूरा देख रहे हैं जिसमें हर जगह पर इवन आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह पर की मूवमेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है और एक अंडर करेंट पूरा खड़ा हो रहा है कि किसान का फेवर में और इस स्टेट और ये जो इंप्रेजिव का अगेंस्ट में, ये एक पॉजिटिव दिशा है। आपको लग रहा है कि ये जो हेलो, हाँ बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये जो सिचुएशन और ये जो परिस्थिति बन रहा है, हमको लग रहा है ये एक दिशा, एक सही डायरेक्शन में एक लोकतांत्रिक दिशा जो है जिसमें लोग अपने आप में खुद को तैयार कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस के लिए खड़ा हो रहे हैं। और हमको लग रहा है कि जितना इस रेजिस्टेंस एक नॉन वायलेंटली एक अहिंसक रास्ता से इस रेजिस्टेंस जितना आगे बढ़ेगा उतना उस लोकतंत्र मजबूत होगा, इस फासिज्म जो जो राज फासिस्ट राज जो चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं
मोदी जी आ ये चीज वो भी खत्म होगा और किसान को इस देश को एक नई रास्ता। हेलो हेलो हाँ जी हाँ जी कट जाता है बीच में। नहीं नहीं सही है। तो हाँ तो अब इस चर्चा को थोड़ा समाप्त करने का समय आ गया है। जी 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 लेकिन आपसे बात करके काफी कुछ सीखने का मौका मिला अक्षय जी। हाँ जी। और जैसा कि आपने अभी अपने अंतिम शब्दों में जो कहा कि एक नई दिशा की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जिसमें युवा वर्ग भी जुड़ रहा है, तो जी जी एक आशापूर्ण मतलब रास्ते की शुरुआत हुई है। इसको कैसे कंटिन्यू करके रखा जाए और कैसे आगे बढ़ाया जाए, यही चुनौती हमारे सामने अभी शायद। जी 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 तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे आपको साथ जुड़ने आप भी का। आप साथी को सबको नमस्ते। आपको आपने पूरा जी सुझाव दिए जी जिसमें बातचीत हो पाए और काफी चीजें शेयरिंग हो पाए। हमको लग रहा है कि इस चीज को आगे बढ़ाएंगे कि बातचीत होता रहेगा तो आप सूचना दीजिए बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे सुनने वाले सभी साथियों को भी नमस्कार और आशा है कि आप आगे भी जुड़ते रहेंगे। तो ठीक है, नमस्कार।